स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे स्टारलिंक स्पेसएक का इंटरनेट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि ये सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है एक ही जैसा खूब सारा सैटेलाइट एक कॉन्स्टेलेशन में लगा रहे हैं, जैसे कि आपका GPS है, ग्लोनेस है, बहुत सारे वेदर सैटेलाइट के कॉन्स्टेलेशन हैं, ये वैसा ही बनाना चाहते हैं। और इनका टारगेट है वर्ल्ड वाइड वेब देना, यानी कि पूरे पृथ्वी पर पूरे जगह पर इंटरनेट दे पाना। और इसका मेन गोल यानी कि USP, मतलब बहुत सारे लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, आपका Jio भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इनका मेन गोल है कि पूरा 100% कवरेज और पूरी पृथ्वी पे कवरेज। ये बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि इंडिया में नेट बहुत ख़राब है। हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि आप ये समझिए कि हमारा इंटरनेट USA से कई मामलों में कई गुना अच्छा है, और थोड़ा सा अच्छा नहीं, कई गुना अच्छा है। मतलब हमारे पास आपको ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छे से मिल जाता है। 4-5 कंपनी है, मतलब अगर आप बैंगलोर में है तो आपको 3-4 कंपनी ऑप्टिकल फाइबर दे सकती है। आपको Jio ऑप्टिकल दे सकती है, आपको एयरटेल ऑप्टिकल दे सकता है, आपको रिलायंस बोल रहा हूँ मैं, आपको एक्ट हेट ये दे सकता है ऑप्टिकल फाइबर दे, और सब गीगाबाइट प्लस का स्पीड दे सकता है और बहुत सस्ते दाम में। तो आपको एक आइडिया देने के लिए, मतलब वहाँ के बिल में बचाया जाता है कि आप $25 अपने बिल में बचाइए। हमारा $25 का बिल आता ही नहीं है कभी, जबकि हमारा अनलिमिटेड फ़ोन कॉल होता है और 2 GB पर डे मिलता है उनका, 2-3 GB पर महीने वाला में है। तो उनका समझिए उनका Jio वाला झटका नहीं लगा। और वो तो छोड़ दीजिए, बड़े शहर में उनके पास ऑप्शन तो है कम से कम, मतलब चाहे तो मिल सकता है, लेकिन उनके जो रूरल एरिया हैं वो बहुत बुरी तरह से मतलब डिस्कनेक्टेड है। वो इसलिए कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जो गाँव होते हैं ना, जो छोटे छोटे गाँव, उसमें भी बहुत लोग हैं, तो बहुत सर्विस मिल जाता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे USA के केस में रूरल एरिया में 6-7 हज़ार लोग हैं, मतलब ये उनके लिए गांव है, 6-7 हज़ार लोग गांव है, बड़ा गांव है। मतलब कई कई गांव है जिसमें सिर्फ कुछ ही फैमिली रह रही है, तो वहाँ तक तो इंटरनेट नहीं जा पाता है। तो USA का कमी 40% आबादी छू नहीं सकता है ढंग का इंटरनेट। मतलब है इंटरनेट, मतलब रोने गाने के लिए है इंटरनेट, लेकिन ढंग का नहीं है, मतलब आपका और हमारा ज़्यादा बेटर है। तो इस कारण से ये करना चाहते हैं कि हर जगह पहुंच जाए इंटरनेट। और आप ये समझिए कि अगर पूरी पृथ्वी की आबादी देखें तो बहुत कम लोग इंटरनेट को छुए हैं, मतलब बहुत हुआ तो 2 बिलियन लोग इंटरनेट छू पाए हैं, और आबादी आप समझिए 10 बिलियन पहुंच रहा है। तो उस हालात में बहुत बड़ा मार्केट खुला हुआ है। इनका टारगेट है कि लगभग $10 बिलियन का आसपास खर्च करना है और $30 बिलियन निकालना है। तो समझ लीजिए $20 बिलियन का प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो रेवेन्यू तो इनके पास दबा के आएगा, मतलब ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू बना देगा कि लिटरली आपको मार्स मिशन का खर्चा ये लोग साइड में निकालेंगे। अरे जाओ मार्स में जाना है ना, साइड में निकालो, पैसा सोचो मत, उतना टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा इसमें पैसा है। और वो सिर्फ मैंने जो आपको 30 बिलियन बताया वो US में है। अगर इंडिया अलाउ कर देता है, चाइना अलाउ कर देता है, या रशिया अलाउ कर देता है, या अफ्रीका अलाउ कर देता है, अफ्रीका में तो अलाउड ही होगा क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के लिए कौन है, तो अगर वैसा कर देते हैं तो बहुत दबा के गरम गरम पैसा आने वाला है। इसीलिए इस पर फोकस किया जाता है, गरम गरम पैसा के मामले में। तो क्या हमारे पास अभी कोई तरीका है ये करने का? हाँ, आपका जो डिश टीवी है जो डायरेक्ट आपके घर में सैटेलाइट से देता है, वो होता है Jio स्टेशनरी कॉन्स्टेलेशन से। Jio स्टेशनरी पे आप मेरा पूरा यह वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये समझिए काम करता है, और ये पॉइंट टू हब का बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी को आप बात करें पूरी भारत से, ये बहुत अच्छा है, या ट्रंप को बात करना है पूरी दुनिया से, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि 3 सैटेलाइट आप पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। और Jio स्टेशनरी का जो ऑर्बिटल मैकेनिक्स है वो इस तरह का है कि डिश टीवी को चेंज नहीं करना, मतलब डिश को आपको ऐसे एम नहीं करना है, अरे सैटेलाइट आ रहा है सैटेलाइट जा रहा नहीं, वो बस एक जगह एक फोकस कर दिए, काम खत्म, चाहिए अब थोड़ा कदा पीछे सो जाइए। इसीलिए आपका ये सब डिश टीवी काम करता है, ये बहुत अच्छा है 1 से 1000 जगह तक आपको डेटा बांटने के लिए, इसमें यह बहुत बढ़िया से काम करता है। लेकिन ये अंधेर महंगा है अगर आप इसे इंटरनेट का कोशिश की, और ये बहुत सुस्त और बहुत चिपकने वाला है, मतलब ये स्लो है और लैगी है। स्लो तो ये इतना है कि अगर आप बहुत मेहनत किए, Jio स्टेशनरी से जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलते हैं उसमें जो इंटरनेट आता है वो आता है 10-12 KBPS का, और वो इतना कम इसलिए हो जाता है ना कि एक अगर आप समझिए दूरी कितना है, मतलब आप मानिए पृथ्वी के सरफेस पे आप सी लेवल पे हैं खड़े, तो आप ऊपर सिग्नल भेजे 36,000 किलोमीटर तक जाना पड़ता है सिग्नल को, और इतना दूर कोई सिग्नल जाएगा तो वीक हो ही जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिस पे आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के चलते आप कितना भी हूहा लगा दीजिए, आप मतलब समझिए, आपको एक एग्जांपल देने के लिए, मतलब आपका और मेरा जो मोबाइल है ये सब 2 वाट का सिग्नल बहुत हुआ तो कर सकता है, राउटर हुआ तो 3-4 वाट तक जाता है, और बहुत बड़ा बड़ा हुआ रेडियो टावर तो वो सब 100-150 तक जाएगा।
उतना भी अगर आप भेजे सैटेलाइट तक बहुत बेयरली पहुंच पाएगा, तो समझ लीजिए कि वो फिजिक्स का लॉ है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते, फिजिक्स का है। दूसरा, ठीक है, उससे तो स्लो हो गया, समझ में आया कि बहुत सारा बिट तो आया ही नहीं आपके पास, तो कई बार रिडंडेंट बिट भेजा जाता है। फिर लैगी इसलिए हो जाता है ना कि बहुत दूर है, मतलब लाइट की स्पीड से, यानी कि 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने पे भी आपको 200 मिलीसेकंड तो जाने और आने में लगेगा, मतलब टुक टुक, बस यही किए हैं टुक टुक। और वापस अगर आने के बाद किए तो बहुत लंबा लेटेंसी, मतलब 600 मिलीसेकंड तक का लेटेंसी ही होता है, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब इतने में आप बात नहीं कर सकते, हेलो हेलो आया आया, ऐसे ऐसे बहुत लेटेंसी होता है, तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये इसी कारण से हम लोग जियो स्टेशनरी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जियो स्टेशनरी कवरेज तो पूरा दे देता है, 100% कवरेज दे देता है, पूरा पृथ्वी को 3 सैटेलाइट से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन वो इतना धीमा और इतना महंगा होगा कि कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये हमारा करंट सोल्यूशन है। तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं लियो, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी काफ़ी ऊपर है, लियो बहुत नज़दीक है। आपको एक आइडिया देने के लिए, वो 35,000 किलोमीटर है, ये 5,000 किलोमीटर के नीचे है, तो समझ लीजिए 30,000 किलोमीटर बच जा रहा है। तो इसका फ़ायदा जो है ना, सबसे बड़ा, ये सस्ता है, मतलब रॉकेट को भी जाने में ईंधन तो लगता है ना, उसमें फ्यूल तो डाला जाता है ना। अब आप सोचिए उसको 30,000 किलोमीटर जाना है वर्सेस 5,000 किलोमीटर, कम फ्यूल लगेगा, तो इसलिए बहुत सस्ता होता है। सैटेलाइट भी सस्ते आते हैं और जो रॉकेट है वो भी सस्ता होता है, और ये बहुत तेज़ है। क्यों तेज़ है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो इसको सबसे पहला आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा उतना, दूसरा ये नज़दीक है, टुक 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 टुक। इसकी लेटेंसी मतलब आराम से अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो किया जा सकता है 20 से 30 मिलीसेकंड का। ये इतना है कि आप बात कर सकते हैं, ये इतना है कि आप फ़ोन लगेगा, हाँ हेलो कैसे हो, ठीक है सब सही चल रहा है, ये हो सकता है। और इसी का इस्तेमाल करके अभी जो सैटेलाइट फ़ोन आपको कहीं मिलेगा मार्केट में वो यही करता है, लियो का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका एक कीमत है, सब जैसे मैंने आपको बताया जियो स्टेशनरी में सिर्फ 3 सैटेलाइट्स आप पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं, यहाँ पे उसका एकदम उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 70-80 सैटेलाइट देने के बाद भी आप पूरा पृथ्वी को नहीं कवर कर पाइएगा, यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। कि लियो का सब चीज़ अच्छा है लेकिन बहुत सैटेलाइट चाहिए, मतलब 10-20 हज़ार सैटेलाइट अगर आप दे पाएंगे तभी बहुत बड़ा लोगों को आप सर्विस कर पाइएगा। तो ये है लियो का फ़ायदा और नुकसान। तो हमारे स्पेसएक्स क्या कर रहे हैं, वो लियो का ही इस्तेमाल करेंगे। तो लियो का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ना, जिनके पास फाल्कन 9 ब्लॉक 5 है। तो आप समझिए कि ये चूँकि सैटेलाइट जो है, पर सैटेलाइट का वजन है सिर्फ 500 किलो मैक्सिमम, तो मान के चलते हैं 500 किलो, और इसका कैपेसिटी 22 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे है। तो यानी कि बहुत सारा सैटेलाइट ये आराम से, यानी कि कहिए 20 से 40 सैटेलाइट तक एक बार में लो अर्थ ऑर्बिट में ये भेज सकते हैं। इंडिया का रिकॉर्ड अभी है 120 सैटेलाइट के आसपास का रिकॉर्ड है, ये 20 सैटेलाइट भेज सकते हैं एक बार में, एक सैटेलाइट। हाँ, लेकिन हम मतलब इंडिया वाला छोटा छोटा था, ड्रोन स्क्वायर क्यूब सेट के साइज़ का था, इनका सैटेलाइट बहुत बड़ा बड़ा होता है इसलिए उतना भेज सकते हैं। फिर इसके पास ये तो फाल्कन 9 हो गया, मतलब समझिए पट 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 करके खूब सका है। इनका टारगेट लॉन्च है 12,000 सैटेलाइट भेजना है, तो एक एक करके भेजेंगे तो लुट जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब 10-20-40 कोशिश करेंगे उतना, जितना ज़्यादा सैटेलाइट एक बार में भेज सकें उतने भेजने का। वो तो पहला हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि फाल्कन हैवी भी इनके पास है। फाल्कन हैवी का प्रॉब्लम, अगर आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ अच्छा है लेकिन उसका कैरिंग कैपेसिटी दोनों का सेम है, क्योंकि फाल्कन हैवी जो है वो एग्जैक्टली फाल्कन 9 के डिज़ाइन का बना है, तो फेयरिंग का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर वो वजन ज़्यादा ले भी जा सकता है आप ज़्यादा ठूस नहीं पाएंगे, उसमें जगह ही नहीं होता। तो उसका इस्तेमाल करके ये लोग कर क्या रहे हैं ना कि दो कॉन्स्टेलेशन बनाना चाहते हैं। एक कॉन्स्टेलेशन का लो अर्थ ऑर्बिट पे, ये बहुत लो है, ये 500 किलोमीटर से नीचे है, 300 किलोमीटर के ऊपर है, तो ये हाइट इतना समझिए ये लगभग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नीचे ही सारा सैटेलाइट चलता रहेगा। तो ये है इनका सैटेलाइट का हुआ, ये हुआ कॉन्स्टेलेशन नंबर 1, ये बना रहे ताकि इसी से मतलब मेन इंटरनेट आपका चलेगा। फिर एक कॉन्स्टेलेशन है इसके ऊपर, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट पे ही, यानी कि ये 5,000 से ऊपर नहीं जा रहा लेकिन ये थोड़ा ऊपर है, ये 4,500 तक कोशिश करेंगे। वहाँ पे इसलिए रख रहे हैं ना कि अगर आप लोअर ऑर्बिट बनाते हैं कवरेज दे देते हैं, इनका कोई मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता जिससे आपको पोल पे कवरेज दे पाए, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बोले यार नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कौन रहता है, आप ये समझिए इंडिया इक्वेटर के पास है, इंडिया को बहुत अच्छा सर्विस मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे सर्विस खराब होती जाएगी। अब यूएसए बहुत ऊपर है और यूएसए का अगर आप पूरा कवरेज भी दे देते हो अलास्का छूट जाता है और अलास्का लगभग नॉर्थ पोल छूट जाता है, तो अलास्का को कवर करने के लिए देंगे। दूसरा, रशिया भी यूएसए से काफ़ी ऊपर है, तो इस कारण से अगर रशिया का मार्केट कवर करना चाहते हैं तो इनको ये पोलर सिस्टम बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो ताकि ये ज़्यादा कवरेज दे पाए, मतलब पूरी पृथ्वी का कोशिश कर रहे हैं तो एक्चुअली कोशिश करेंगे पूरी पृथ्वी को दे सकें। तो और उनको लॉ से रिक्वायर्ड भी है कि अगर आप नेशनल ISP बनना चाहते तो आपको अलास्का तक कुछ तो देना पड़ेगा, तो ठीक है ये कर रहे हैं। और इसे 2-3 जगह का एक्स्ट्रा फायदा भी होगा कि राउट करने के लिए, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बहुत सारा फायदा होगा। तो यही समझिए कि अभी इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई कंपनी नहीं है जिसके पास इतना थ्रूपुट हो,
SpaceX सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सबसे ज़्यादा स्पीड से लॉन्च कर सकता है, सबसे ज़्यादा रॉकेट बना सकता है, सब चीज़ इसका थ्रूपुट बहुत ज़्यादा है। और अभी तक तो मैंने BFR के बारे में बात ही नहीं किया। अगर ये सबसे ये लोग कर लेंगे कुछ साल के अंदर, अगर BFR आ गया तो BFR एक बार में 200 सैटेलाइट तक लॉन्च कर सकता है और भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। तो सवाल ही नहीं, अगर BFR आया तब तो काम ही खत्म, तब तो मतलब लिटरली एक साल के अंदर ये लोग 12,000 सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो उसी तरह समझिए कि SpaceX के पास ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बहुत सारी कंपनी जैसे Iridium है जो आपको अभी देती है सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन, लेकिन वो उसके पास खुद का रॉकेट नहीं है, वो तो SpaceX का ही रॉकेट इस्तेमाल करी जाती है। अगर SpaceX खुद बनाने लगा तो वो तो सस्ते में कर लेगा ना, क्योंकि उसी का है। ठीक है, वो सब तो आपको आइडिया समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये काम कैसे करेगा। तो काम ये करेगा ना कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो फ्रीक्वेंसी का आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि आपका जो वाईफाई राउटर है, आपको पता होगा उसमें दो फ्रीक्वेंसी आती है आजकल के अच्छे राउटर में, एक होता है 2.5 GHz, एक होता है 5 GHz। जितना हायर फ्रीक्वेंसी जाता है वो उतना ज़्यादा डेटा ले जा सकता है, इसीलिए आपका 2.5 GHz बहुत हुआ तो 25 MBPS तक देगा, लेकिन 5 GHz वाला 50 तक चला जाता है और 100 तक भी जा सकता है, गेमिंग राउटर समय 100 तक चला जाता है। तो उसी तरह ये लोग और हाई जाना चाहते हैं, ये लोग वी बैंड पे जाना चाहते हैं, जिस बैंड का मतलब होता है 40 GHz से लेकर 75 GHz तक को हम लोग कहते हैं वी बैंड। फिर एक दो और बैंड को ये खरीदना चाह रहे हैं जिसमें KU बैंड है, KA बैंड है, जिस जो 12 GHz से लेकर 18 GHz तक जाता है यानी कि KU बैंड, और 27 GHz से 40 GHz तक जो जाता है इसे हम लोग कहते हैं KA बैंड। इसका इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन में इंटरनेट देने के लिए, ये ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब क्रूज शिप में बात कर रहे हैं या एरोप्लेन में बात कर रहे हैं, इसी सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तीन बैंड पे ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जैसे आपका मैंने बताया माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है आपका मोबाइल टावर से बात करने के लिए, ये सब का इस्तेमाल किया जाएगा सैटेलाइट से बात करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपको ये बैंड में क्या हुआ हो रहा है समझना है तो एकदम सिंपल कर दिए, जितना आपका गीगाहर्ट्ज बढ़ता जाएगा, 1 GHz से 2 जाइए, 2 से 5 जाइए, 5 से 10 जाइए, उतना ज़्यादा आप थ्रूपुट लेवल, मतलब आपका पाइप जो है कितना डेटा इधर से उधर जा रहा है वो बढ़ता जाएगा, पहला वो हुआ। दूसरा एंटीना, मतलब आपका एंटीना कितना बड़ा है ये छोटा होता जाएगा, जितना आपका बढ़ता जाएगा एंटीना छोटा होता जाएगा। ये उल्टा सुनने में लगता है लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता है कि जितना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी है उतना छोटा एंटीना हो जाएगा। फिर तीसरा ये होता है कि जैसे इसका बैंडविड्थ जो है ना वो बहुत टाइट हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पेक्ट्रम को आप इतना लंबा काट देते हैं तो आप एक मोबाइल से एक दूसरे मोबाइल तक बात करने के लिए बस इतना सा हिस्सा चाहिए। ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई कंट्री में कहे कि भैया हमको 27 GHz का फ्रीक्वेंसी दे दो, तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगी भैया लो 27 का लाइसेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट 27 एकदम परफेक्ट, थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जगह दिया जाता है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो। अगर आप बहुत सारा उसमें लगा सकते हैं मतलब चैनल चला सकते हैं तो आप एक ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल, मतलब आप कहिएगा कि 27 GHz है लेकिन होगा ना 26.994 का इस्तेमाल करके एक पूरा अलग चैनल बना सकते हैं। ऐसे ऐसे करके मतलब आपको एक स्पेक्ट्रम दिया जाए उसके अंदर काट 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 करके आप बहुत सारा चैनल बना सकते हैं जिससे आपका डेटा इधर से उधर जाए। तो इसीलिए हम लोग हाई इस फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहते हैं, इसीलिए हर चीज़ बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका एक कीमत है। इसका कीमत यह है कि ये ससेप्टेबिलिटी बहुत हो जाती है, इसीलिए आप देखते होंगे जो 2.5 GHz का है आपके घर में वो ज़्यादा ऊपर तक जाता है, मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रखते हैं तो उस छत तक सिर्फ 2.5 जाएगा, 5 GHz उतना दूर नहीं जा पाता है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वो उतना रेंज कम होता जाता है। दूसरा बारिश बैंड बजा देता है, मतलब बाकी सब चीज़ ठीक है लेकिन बारिश तो एकदम बैंड बजा देगा, सीधे बैंड बजा देगा, बात ही नहीं करना, सीधे बैंड बजा देगा। लेकिन सब चीज़ का मिला के मतलब टोटल बेनिफिट को अगर देखा जाए तो जनरली हायर बेनिफिट ही मिलता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। एक ही सिर्फ नुकसान हो जाता है कि आपको सिग्नल का स्ट्रेंथ सुधारना पड़ेगा। तो ये तो हुआ, ये आपसे और हमसे कैसे बात करेगा सैटेलाइट, ठीक है। फिर सैटेलाइट से कैसे बात करेगा, अगर 12,000 सैटेलाइट है, 12,000 सैटेलाइट आप डाल रहे हैं तो एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट से कैसे बात करेगा। तो जनरली SpaceX का आइडिया है कि जो उसका लोअर कॉन्स्टेलेशन है वो हर समय एक सैटेलाइट 4 सैटेलाइट से बात करेगा। जो उसकी ऑर्बिट है वो ऐसी बनाई गई है कि आगे एक रहेगा पीछे, मतलब पूरा चेन है, मतलब एक समझिए चेन घूम रहा है, तो एक सैटेलाइट आगे एक सैटेलाइट पीछे से एक सैटेलाइट बात कर रहा है। मैं आगे से बात कर रहा हूँ, मैं पीछे वाले से बात कर रहा हूँ, मैं दाएं वाले ऑर्बिट से बात कर रहा हूँ, मैं बाएं वाले से बात कर रहा हूँ, ऐसे करके बनाए। और अगर इसको आप विजुलाइज करना चाहते देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप आराम से देख सकते हैं। और इसके लिए मतलब सैटेलाइट टू सैटेलाइट बात करने के लिए ये लोग रेडियो से नहीं करेंगे, रेडियो उतना एफिशिएंट नहीं है, बहुत एनर्जी खाएगा, बहुत बर्बादी करेगा। तो उसके लिए ये लोग करेंगे सैटेलाइट टू सैटेलाइट लेज़र, और अगर मैं लेज़र का फ्रीक्वेंसी बताऊँ तो वो 10,000 GHz से ऊपर चलता है।
और वो इस तरह का थोड़ा सा मतलब समझिए एक लेज़र डायोड और टेलीस्कोप का सिस्टम है। ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट करके नासा ने एक्सपेरिमेंट किया था कि चांद तक डेटा भेजे 600 मेगाबाइट चांद तक पहुंचा गया। और अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट से दूसरा सैटेलाइट, जो कि स्पेसएक्स का जो कॉन्स्टेलेशन बनेगा वो इतना घना होगा कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से 90 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक ही रहेगा, तो उतने में तो ये गीगाबाइट मतलब कई 100 गीगाबाइट का डेटा इधर उधर कर सकते हैं। तो इसीलिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाएगा। लेज़र कम बर्बादी करता है और इंटरफियरेंस नहीं करता है, मतलब इतने सारे सैटेलाइट आप एक दूसरे के पास चला रहे हैं, रेडियो वेव अगर आप भेजें हर रेडियो वेव दूसरे से इंटरफियर करके बर्बाद कर देगा। इसीलिए सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन लेज़र का इस्तेमाल करके होगा। ठीक है, यहाँ सैटेलाइट का बात हो गया, अब बात होता है कि आपको सिग्नल कैसे मिलेगा। ठीक है, सैटेलाइट आपसे वी बैंड करके बात करेगा, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए? नहीं, आपको दिया जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं फेज अरे। तो मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उतनी एंटीना छोटा होता जाता है, तो वैसे ही अगर आप बहुत बड़ा ये बना लेते हो फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा, एंटीना एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। और इसी का इस्तेमाल 5G में भी किया जाता है, इसीलिए आप सुनते हो ना 5G में फेज अरे है, कि मतलब जो उसके एंटीना पतला पतला चपटा सा लिखेगा उसमें खूब छोटा 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 एंटीना होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपके पास खूब सारा छोटा छोटा एंटीना है और अगर आप उसको ट्रिगर यानी कि इसको ऑन ऑफ अगर आप सही से कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, एक एंटीना को बोले तुम पहले निकलो, तुम थोड़ा बाद में निकलो, तुम थोड़ा बाद में निकलो, ऐसे अगर आप करते हैं तो कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन होने लगता है रेडियो वेव में, जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बस इतना समझना है कि जो आपका एंटीना है वो अगर ऐसे फ्लैट है, मतलब एक सिंपल फ्लैट है, सिग्नल ऐसे जा रहा है, ठीक है, आप टाइम शिफ्ट किए तो ऐसा हो जाएगा सिग्नल नीचे आ रहा है, टाइम शिफ्ट किए सिग्नल ऊपर आ रहा है, टाइम को प्लस कर दिया उधर आ रहा है, मतलब एंटीना को आपको दाएं बाएं नहीं करना, एंटीना आपका फ्लैट का फ्लैट है, आपका पूरा सिग्नल ऐसे ऐसे डांस करना है कर सकता है। और इसका इस्तेमाल जैसे मैं ये आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये F-22 रैप्टर का नोज कोन का रेडार है, मतलब रेडार में ये इस्तेमाल किया जाता था फेजर की, कहीं कहीं जगह पे मतलब आप नहीं चाहते हो कि घूमता रहे आपका रेडार, तो एक पाइप जैसा बना देते थे उसमें फेजर लगा देते, तो इलेक्ट्रिकली वो घूम रहा है। तो इसका इस्तेमाल करके मतलब आपको एक पिज़्ज़ा बॉक्स के साइज़ का, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बॉक्स मतलब समझिए बड़ा लैपटॉप के साइज़ का वेट का एंटीना दिया जाएगा जो रिसीव करेगा सारा चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप सैटेलाइट से बात कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट बनाया ना कि आप किसी से बात करोगे, वो किसी से बात करेगा, वो किसी और से बात करेगा, तब आप सर्वर के पास पहुँचोगे। तो हमारा समझ, हमारे ऊपर 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 चलने वाला स्टेप है, ट्री टाइप एक आर्किटेक्चर है, तो उसमें उसके लिए हमने बनाया था इंटरनेट प्रोटोकॉल version 4 version 6। ठीक है, IP जिसको आप सुनते होंगे IPv4 v6, तो ये सब उसके लिए बनाया। लेकिन अगर सैटेलाइट वाला है तो समझिए सैटेलाइट से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आपने सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, अब सैटेलाइट प्रोसेस तो करेगा नहीं, उसको बस तुरंत देखना, तुरंत भेज देना, अब वो क्या कर सकता है, अगर आप वही सिस्टम इस्तेमाल किए जो अभी है, तो वह सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन में भेज देगा कि जाओ ग्राउंड स्टेशन प्रोसेस करो, ग्राउंड स्टेशन फिर खोजेगा कि मैं ऑप्टिकल रास्ते से भेजूं कि मतलब मेरा फाइबर ऑप्टिकल से मैं भेजूं कि सैटेलाइट से भेजूं, समझ रहे, बहुत फजीहत हो जाएगा। तो इन लोग का टारगेट ये ना कि सैटेलाइट ही खुद उसको सॉर्ट कर ले कि कहां से कहां ले जाना है, मान लीजिए इसको यूट्यूब का सर्वर के पास ले, हाँ तुम वो सैटेलाइट को जाओ, वो रास्ता है तुम्हारा, वहां से पहुंच जाओगे। हाँ, जैसे मान लीजिए आप मुंबई हैं और शंघाई में फ़ोन लगा रहे हैं, तो वो ग्राउंड स्टेशन में नहीं ले जाएगा, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, वो चाहेगा कि एक सैटेलाइट, क्योंकि मैंने बताया हर सैटेलाइट 4 सैटेलाइट से बात कर रहा है, टुक 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 करके कूद कूद के डायरेक्ट शंघाई में उतरे, तो उससे आप ऑप्टिकल फाइबर जो अंडर सी केबल है उससे जल्दी पहुंच जाइएगा, क्योंकि एकदम सीधा रास्ता मिल रहा है उसको। तो इसी का इस्तेमाल करके ये स्पेसएक्स का जो इंटरनेट सिस्टम है लेटेंसी कम रखेगा, लेकिन इसके लिए इनको एकदम नया प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, हर चीज़ स्टार्ट से लिखना होगा। हाँ, अभी भी आपका वही होगा www.youtube.com, लेकिन प्रोटोकॉल जो होगा एकदम बदल जाएगा, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि सिंपलर देन IPv6 होगा, लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि इस पर अभी प्रोप्राइटरी है, अभी इसके बारे में बात नहीं किया जाए, अंडर सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, तो और इससे आपको मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर उनकी बैंड बन जाएगी। तो ऐसे ये काम करता है, हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है, हाई फ्रीक्वेंसी से एंटीना छोटा हो जाता है, एंटीना छोटा हो जाता है उससे फेज अरे बन जाता है, सैटेलाइट पे डेटा चला जाता है, फिर डेटा सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में लेज़र का इस्तेमाल करके भेजा जाता है, और ये किस सैटेलाइट के पास जाना है राउटिंग करने के लिए नया प्रोटोकॉल ये लोग बना रहे हैं, ये इसकी वर्किंग है कैसे किया जाएगा। तो क्या इसमें कोई खतरा है? हाँ, खतरा बहुत है, बहुत सारा है, बम खतरा है। पहला खतरा है कैसलर सिंड्रोम। आप ये समझिए कि ऑर्बिट में कोई भी चीज़ जो चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज है, आपको और हमको नहीं दिखता, और मतलब जो स्पेस में उनको भी नहीं लगता, क्योंकि वो लगता है स्पेस वेटलेस है, आपको देखते होंगे अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस में जो आदमी लोग हैं वो लगता है कि एकदम वेटलेस हैं, लेकिन वो तब भी बहुत तेज़ चल रहे हैं, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से मिनिमम चल रहे हैं, तो समझिए बहुत तेज़, अगर कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ को छुआ भी वो नष्ट कर देगा, मतलब राइफल 50 कैलिबर ये सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब न्यूक्लियर
न्यूक्लियर बॉम्ब जितना धमाका की एनर्जी निकलेगा, तो इतने सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं, एक का टुकड़ा हो गया तो कई हज़ार और टुकड़े बन सकते हैं और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। और चूंकि इतने सारे सैटेलाइट और इतने नज़दीक हैं एक दूसरे के कि एक से दस में होना बहुत आसान हो जाएगा। अभी बहुत कम सैटेलाइट है, मतलब बहुत हुआ तो 4000 सैटेलाइट है, ये 12000 अकेले उतारना चाह रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि अब गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अगर गलती हुआ तो सब गए। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा है, चूँकि ये सब लोअर अर्थ ऑर्बिट में हो रहा है, अगर डैमेज हुआ कभी तो नुकसान ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मतलब 15 साल के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब इनके बारे में तो आपको पता ही है, या मतलब जैसे एयरटेल भी बीच में लगे थे, नहीं 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 हम नेट न्यूट्रलिटी को बैंड बजा देते हैं ना, आप हमको पैसा दीजिए बस झक मारने का, फिर हम यूट्यूब के लिए आपसे अलग चार्ज करेंगे, आपको अमेजोन में जाना अलग चार्ज करेंगे। तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है, मतलब आप इंटरनेट दे रहे हो लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो आप समझ लीजिए गवर्नमेंट रेगुलेशन बैंड बजा सकता है इसका। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आपको समझ में आ ही गया, गवर्नमेंट लड़ने पर आ गया तो आप फ्री फंड का मर जाइएगा। फिर ठीक है, ये दो चलिए मान लेते हैं, समझ जाता है किस्मत अच्छा रहता है इनका, निकल जाते हैं। फिर आता है कंपटीशन। जेफ बेजोस भी अपना इंटरनेट बना रहे हैं, बोइंग कंपनी भी अपना बना रही है, ये मतलब रिचर्ड ब्रांसन ने भी एक कंपनी खरीद लिया, वो भी अपना बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 3-4 हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लोग कूद चुके हैं इस रेस में। ये रेस हलवा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि इलॉन मस्क है, ये आगे चल रहे हैं सबसे, क्योंकि इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च करके देख लिया, मतलब दो ही किया और वो डमी ही था, डमी एज इन मतलब टेस्ट सैटेलाइट था, मतलब कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा था, लेकिन करके देख चुके हैं, मतलब गाड़ी खुल चुकी है उनकी स्टेशन से, और रॉकेट के मामले में तो वो सबसे आगे चल ही रहे हैं, तो गाड़ी खुल गई। लेकिन ऐसा नहीं कि रेस में सिर्फ वही है, रेस में 3-4 लोग बड़े बड़े पहुँचे लोग हैं, तो एकदम क्लियर कट नहीं है, मतलब ये 30 बिलियन सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग बनाएं और इसका देख देख के, मतलब इनका क्या गलती हुआ क्या सही हुआ देख के, कोई दूसरा कंपनी सस्ते में बना ले और ज़्यादा सस्ते में सर्विस देने लगे तो, और इनका स्पेसएक्स को डुबा ले, ऐसा हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है कंपटीशन में, कई बार होता है, मतलब सैमसंग के चलते ही आईफोन है, सैमसंग ही आईफोन का मेमोरी बनाता है, सैमसंग ही आईफोन का डिस्प्ले बनाता है, तो फिर भी आईफोन ऊपर चला गया, वैसा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा खतरा है। और ये लोग बोल रहे हैं 2020 में आ जाएगा, नहीं नहीं सपना मत देखिए, 2030 में आ जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पहुँचे पहुँचे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ होने का चांसेस है। तो ये था मेरा वीडियो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पर चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, 2 बार दबाइए, मुझे पता चलेगा वो कितना डिसअपॉइंटिंग लगा है। और मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।